तो आज मेरा फोर्थ डे है इस हाइकिंग ट्रेल 5 पर, और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज फ्राइडे है। तो मैंने सोचा था कि आज वाटरफॉल से काफ़ी आगे जाना है। तो फाइनली आज मैं वन गो में ही ट्रेल 5 के वाटरफॉल स्पॉट पे पहुंच गया हूँ, और इस बात का जो सबूत है वो मेरी स्वेट से भरी हुई शर्ट। इतनी खूबसूरत ये जगह है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ मेडिटेशन ही हो जाए। नहीं नहीं मैं इस मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो इस बुक मेडिटेशंस की बात करूं, जो कुछ ही दिन हुए हैं मैंने भी ये ख़रीदी है, तो आज मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा। अभी मैं वाटरफॉल से आगे आ गया हूँ और आज मेरा एम है कि मैं माउंटेन टॉप व्यू तक जाऊंगा। मैं भी उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ से आगे दो रास्ते जाते हैं माउंटेन टॉप व्यू पर। तो इन दोनों रास्तों की अलग खसूसियात हैं, जैसे कि एक ये रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। ये वाला जो रास्ता है ये बहुत लेंथी है लेकिन इजी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला रास्ता काफ़ी शॉर्ट है लेकिन बहुत टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं अभी इसी डिफ़िकल्ट और शॉर्ट रास्ते से जाऊंगा क्योंकि टाइम भी कम है, तो जल्दी से वापस भी आना है। इस वाले रास्ते की एक ख़ास बात ये भी है कि इस पे बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट ट्रेल है जो माउंटेन टॉप व्यू की तरफ जा रहा है। दूसरे वाला जो था काफ़ी इजी था, और ये रास्ता इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि इसका रास्ता जो बड़ा तंग है, अगर यहाँ से पाँव स्लिप हो जाए किसी का तो ये सीधा नीचे खाई में जाएगा। तो आज का दिन डे 4 मैं यहीं एंड करूँगा, और माउंटेन व्यू टॉप पे तो अभी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। तो लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और काफ़ी थक भी गया हूँ, तो बाकी का जो है वो कल मैं हाइक करूँगा ऊपर। तो आज मैं बस यहीं से वापस आऊँगा। आज तो बहुत ज़्यादा हाइकिंग कर ली है, वाटरफॉल तक ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर, वो उससे आगे 2 किलोमीटर और, तो टोटल 5 किलोमीटर ऊपर जाते वक्त और 5 किलोमीटर वापस आते वक्त, टोटल 10 किलोमीटर आज मैंने हाइकिंग की है डे 4 में। डब्ल्यू बेटा सुनाओ। सुना डब्ल्यू बेटा, क्या तासुरात हैं? ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। अच्छा तू बता, तेरा नाम डब्ल्यू बेटा आपने कैसे रखा था? बस ये लंबी स्टोरी है। थोड़ी शॉर्ट करके बता। नहीं नहीं थोड़ी सी, ये टाइम नहीं है। तो अपने नाम से खुश है डब्ल्यू बेटा से? ठीक है, दूसरे खुश हो जाए। क्या हो गया, हवा टाइट हो गई? हाँ तो नसीब भाई, क्या सीन है फिर, थक गए हो काफ़ी? हैं मज़ा आ गया, बॉडी खुल गई है? बॉडी खुल गई है। हाँ यूँ ही दोस्त लगाओ ना तो बॉडी खुल गई, हाथ में आ जाएगी। सही है, सब कुछ खुल गया है। सब कुछ खुल गया है, यूँ रेगुलर करो ना यूँ, इंशाल्लाह तो बिल्कुल अपने ना वापस वेट पे आ जाओगे इंशाल्लाह।
अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं भी ट्रेल 5 की पार्किंग में मौजूद हूँ। इतवार का दिन है और आज काफ़ी रश है। So today is my 6th and the last day of hiking on this trail 5। और आज का मेरा गोल है कि मैं कम से कम माउंटेन व्यू पॉइंट तक जाऊंगा। और आज संडे है, रश भी काफ़ी है और मौसम बड़ा गर्म है। फाइनली मैं फाइट ट्रैक तक पहुँच गया और बहुत टफ रास्ता था, बहुत मुश्किल जो है फाइट ट्रैक। और इस ऊपर टॉप पर जो है माउंटेन व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा इस्लामाबाद का व्यू काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी मैंने ये हाइक करनी है। और ये है माउंटेन व्यू पॉइंट जहाँ से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इस्लामाबाद नज़र आता है। इस तरफ रावल डैम है और ह्यूमिडिटी इतनी है कि नज़र नहीं आ रहा। और ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह मैं भी सोच रहा था कि हाइकिंग करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि नंबर 1 तो है करेज, इंसान की विल पावर, और विल पावर के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। नंबर 2 जो है वो ये है कि बाइक या गाड़ी, जिससे आप एटलीस्ट पार्किंग एरिया में पहुंच सकें और फिर हाइकिंग कर सकें। और नंबर 3 जो है वो है अ गुड पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि ये काफ़ी टफ़ रास्ते हैं तो शूज़ होना मस्ट है। नंबर 4 जो है गुड कैमरा फ़ोन, जिससे आप वीडियोज़ या पिक्चर्स भी बना सकें। मैं अपने इस व्लॉग हाइकिंग ऑन ट्रेल 5 पार्ट 2 को आज यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक माय व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। लव यू। तो ये चाय आ गई है मेरी, शक्कर वाली चाय है, स्पेशल चाय।